देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, लेकिन उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। दिल्ली की 70 सीटों के लिए 8 फरवरी को मतदान होगा। दिल्ली में बिहारी और पूर्वांचल के लोगों की बड़ी आबादी रहती है, इसलिए बिहार की दो बड़ी पार्टियां दिल्ली के रण में उतर रही हैं। जब आरजेडी ने दिल्ली के रण में उतरने का ऐलान किया तो कांग्रेस को बिहार में महागठबंधन के साथ ही आरजेडी को 4 सीटें देनी पड़ी। कांग्रेस 66 सीटों पर और आरजेडी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। यानी कि बिहार के महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी दिल्ली में ताल ठोकने को तैयार है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बने कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन में मोल भाव का लंबा दौर चला। आरजेडी ने पूर्वांचल वोटरों को देखते हुए पहले 7 सीटों और बाद में 5 सीटों की डिमांड रखी, लेकिन 5वीं सीट को लेकर कांग्रेस आला कमान तैयार नहीं हुई। रविवार को आरजेडी के लिए बुराड़ी, पालम, उत्तम नगर और खिराड़ी सीट कांग्रेस ने छोड़ दी और बाकी बचे हुए अन्य विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली की सभी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके थे। जेडीयू और बीजेपी बिहार में एनडीए गठबंधन के साथी हैं। दिल्ली में जेडीयू के अलग से चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान ही होता, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की जेडीयू को 2 सीटें दे दी हैं। यानी कि बीजेपी के पास अब 68 सीटें बची हैं, जिसमें से शिरोमणि अकाली दल को भी सीटें देनी है। दिल्ली में जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि पार्टी बुराड़ी और संगम विहार से चुनाव लड़ेगी। सूत्रों ने बताया कि बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार और संगम विहार से HCL गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया। 2015 के विधानसभा चुनाव में आपके आंधी में जहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में 32 सीटें जीतने वाली बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। दोनों ही पार्टियां कैसे भी करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विजय रथ को रोकना चाहती हैं। इसलिए दोनों ही पार्टियां दिल्ली चुनाव में प्रयोग करने के मूड में हैं। जहां कांग्रेस ने कीर्ति आजाद को कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति का मुखिया बनाया है, वहीं बीजेपी ने पहले से ही मनोज तिवारी को बागडोर सौंप रखी है। और तो और, दिल्ली में हुई एक जनसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मनोज तिवारी को सीएम पद का उम्मीदवार बताया था, लेकिन बाद में विवाद बढ़ने पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब था कि बीजेपी मनोज तिवारी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देश की दो पार्टियां बिहारी चेहरों के सहारे दिल्ली विधानसभा चुनाव की वैतरणी को पार करना चाहती हैं। इसलिए बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की छवि को दिल्ली में भुनाना चाहती है। वहीं दिल्ली में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस लालू और तेजस्वी के सहारे दिल्ली विजय के ख्वाब बुन रही है। अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे बिहार के दिग्गज नेता बिहारी वोटर्स को अपने पक्ष में कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।